वाइज तो अगले मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो नई वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी पुराने जो आपके पास राउटर रहते हैं उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एक वाईफाई रिपीटर की तरह। तो ये मेरे पास एक राउटर है जो कि BSNL ब्रॉडबैंड का है। ये लगभग लगभग 2 साल हो चुके हैं मेरे पास, और ये यूज़ होना बंद हो चुके हैं, उसे हम रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक और कनेक्शन है जिसको मैं यूज़ एक्सचेंज करना चाहता हूँ, अच्छा वाईफाई बनाना चाहता हूँ उसका, उसके लिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने देखी यहाँ पर पावर केबल जोड़ दी है एंड यहाँ पर एक लैन केबल जोड़ दी है जो कि मैंने PC के एट द एंड पे जोड़ दी है। अब यहाँ से हमें जो काम करना है वो आप एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने के जो है वो ये है कि यहाँ पर जो आपका ये इंटरनेट एक्सेस को ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ IP होना चाहिए आपको सीरीज का जो कि राउटर सपोर्ट करता है। आप सबसे पहले तो राउटर को रीसेट कर लीजिएगा, इसके लिए आपको एक होल मिल जाएगा, उसके अंदर आपको पिन डालनी रहती है लगभग 15 से 20 सेकेंड तक, तो वैसे ही हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट जो हमें करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका IP जो रहता है वो रहता है बेसिकली 192.168.1.1। तो हम यही सर्च करें 192.168.1.1। यहाँ पर हमसे ADSL मॉडेम के लिए पासवर्ड यूज़र ने पूछ रहा है, तो हम इसका जो मुझे लगता है वो दे देंगे। आई डोंट कन्फर्म कि यही था, बट अधिकतर के पीछे लिखा रहता है। यह बात आती है कि हम इसको ऐसे रिपीटर कैसे यूज़ करेंगे। तो इंटरफेस में हम इसके सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो यहीं पर हमें दिख जाता है कि क्या है हमारा ATM BC में मैंने कुछ नहीं करना है। IPv6 और V4 दोनों में कुछ नहीं करना है। अब मेन हमारा ये आता है कि अगर आप चाहते हैं इस टाइप का कनेक्शन, अगर आपका डायनेमिक IP कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा। स्टैटिक है तो ओनली यहाँ पर, ये डायनेमिक IP है, ये आपके अभी काम का नहीं है। या अगर आप एक कंपनी के अंदर हैं तो वहाँ पर ये दोनों बहुत काम में आएंगे। स्टैटिक नॉर्मली एक क्लाउड होस्टिंग के काम में आता है। थर्ड PPOE, PPPOA, PPPOE, ये एक नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर के काम की चीज़ें। और फोर्थ होता है ब्रिज मोड। तो ये ब्रिज मोड क्या करता है कि ये सामने से आने वाला जो कनेक्शन है, यानी कि यहाँ से हमारा एक कनेक्शन आता है एक राउटर से, तो उसी राउटर के कनेक्शन को आगे फॉरवर्ड कर देता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो हमें सिर्फ इसको कर देना है एंड ये काम यहाँ हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमें ज़्यादा चीज़ें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर इनमें से कर सकते हैं ऑप्शन को चूज़ इनकैप्सुलेशन का, तो इसके बारे में इतना कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ तो इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊँगा। देन हमें जो जानना है वो है यहाँ पर सिंपली एक्सेस पॉइंट एक्टिवेटेड पे करना है, तो इससे जो वाईफाई होता है वो चालू हो जाएगा। चैनल पर इसको 11 पे आप सेट रखिए, बहुत मतलब इसमें ज़्यादा अच्छा चलता है। बैकबोन इंटरवल, इन सब सेटिंग्स की मैं आपको एक बार आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल SSID के लिए आपको मिल जाता है, इसमें सिंगल SSID का ही ऑप्शन है। पासवर्ड के लिए यहाँ रहा हमारा, इस टाइप से कुछ मेन आपको सेटिंग्स यहाँ मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने राउटर को एक वाईफाई रिपीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सस्ते जुगाड़ में, अगर आपके पास पुराना रखा हुआ है नहीं तो आप किसी से पुराना लेके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक केबल की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा, अगर आपके पास पहले से ही राउटर है तो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बाय।